नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर को बेल देने से साफ इनकार कर दिया। सुनवाई के बाद सीजेआई बोबडे ने उसे विकास दुबे जैसा खतरनाक बताते हुए बेल देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अपराधी पर 13 से अधिक संगीन मामले में केस दर्ज है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स को जमानत दे दिया गया था। इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरा है जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया। विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि विकास दुबे मामले की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। इस मामले में सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि इतने आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी विकास दुबे को जमानत कैसे दे दी गई? इतना बड़ा अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया? कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफसील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए दिल्ली ब्यूरो की रिपोर्ट।